वजह से हमारी मोदी सरकार ने तीन तलाक के माध्यम से हजारों करोड़ लेडीजों को महिलाओं को सुरक्षा दी है, ऐसे महिलाओं के लिए भी प्लीज सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हाँ, स्वर्णी मालीवाल जी से कहना चाहूँगा कि आपको ये महिलाएं दिख रही हैं जो बेचारी शरीफ हैं, गरीब हैं, अपने घर से मजबूर आकर ऐसा काम कर रही हैं, आप आज तक जी बी रोड क्यों नहीं जाते हो, अजमेरी गेट क्यों नहीं जाते हो, वहाँ छोटी बच्चियों को रातों रात वहाँ सप्लाई किया जाता है, वहाँ हजारों लेडीज ऐसी मिलेंगी जहाँ पर आप देखो, आप वहाँ से क्यों पल्ला झाड़ते हो और दोष मर देते हो मोदी सरकार पे। मैं मोदी से कहना चाहूँगा सख्त से कार्रवाई की जाए और साथ ही मालीवाल जी प्लीज इन बच्चों को पकड़ दें, इनका रोजगार दोबारा चालू कर दें, इनके पास कोई और काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, इन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी बेचारे ने कैसे करें, और ये काम जो कर रही है बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रही है। आपको जिसके ऊपर डाउट है आप जाओ सभा में टेस्ट करो, चेक करो, आप अपने अपने आदमी भेजो, आप किसी कर सकते हो, लेकिन आप प्लीज एक 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 अगर आपको जरा सा डाउट भी है तो एक के पीछे आप पूरे समंदर को गंदा नहीं कर सकते, किसी एक की गलती के साथ सारी महिलाओं को नहीं दे सकते। तो मैं कहना चाहूंगा अगर आपको सजा देनी है तो जीवी रोड जाके उन लोगों को सजा दो जो आधी आधी रात को छोटी बच्चों खरीद के लिए आते हैं, और वो बच्चियाँ उनके दिल का हाल पूछो, ये सारी लड़कियाँ उनका साथ देंगी, सपोर्ट करेंगे, हम सब आपका सपोर्ट करेंगे। मैं उनके पिछले साल की वीडियो देख रही थी जब उन्होंने क्या करा, जब स्वाति मालीवाल जी इस अपनी अध्यक्ष बनी तब उन्होंने क्या करा, फटाफट अपने महिला आयोग की सारी लेडीजों को निकाल दिया, और उसमें आज तक के चैनल पे वो डिबेट करते हुए बता रही थी स्वाति वाली जी कि मैंने काम करा है, मैंने 8 दिनों में जीवी रोड में जाकर वहाँ के लोगों की समस्याएं पूछी है। तो स्वाति मालीवाल जी आपने स्पा में आकर किस लड़के की परेशानी सुनी, किस लड़के की परेशानी समझी, आपने तो आकर उन पे अटैक कर दिया, उनके ऑनरों पे इल्जाम लगा दिया कि ये लोग धंधा कराते हैं। स्वाति मालीवाल जी आपको कॉल करिए अगर किसी ने, ठीक है, डबल वॉश होते हैं, डबल यूज होते हैं, हमारे पास हर महीने का बिल होता है, लड़कियां अगर कमाएंगी नहीं, वो खर्चेंगी नहीं, खाना नहीं खाएंगी, तो क्या उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी नहीं? डबल वाले भी बताइए, अगर एक कूड़ा उठाने वाला 100 पास से कूड़ा उठाता है तो वो भी अपना घर चला रहा होता है, अगर एक इंसान हमारे यहाँ पे है काम कर रहे हैं, सब कनेक्टेड होते हैं, हम मीडिया को नहीं पढ़ रहे हैं, हम मीडिया को बुलाते हैं, मीडिया नहीं आती, पहले उनकी सुन ले, पहले राजनीति की, हम लोगों ने धरना किया था ऑफिस के बाहर, हम लोगों ने 1-1 पे कॉल किया, बोला क्लियर मैम आप हमें जॉब दे दीजिए, उन्होंने कहा आप मेरे ऑफिस आ जाइए, जब हम ऑफिस आए तो क्या ताले लगा के चली गई, क्यों नहीं आई, ताले लगा के चली गई, ताले लगा के चली गई, डाला हुआ है कि इन्होंने सारी दुकान बंद करवा दी, सिटी वाले लोगों ने ज्यादा प्ले गरम सारा मामला राजनीति से। एक बार बताइए स्वाति मालीवाल जी पिछले 4.5 सालों से दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष है, आज तो पहले नहीं है, इससे पहले वो 4.5 साल में उनको कहीं कुछ नहीं मिला, जब अब इलेक्शन का 2 से 3 मंथ मिला है, इस बीच में उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दिया। एक बात मेरा ये मानना है, मानते हैं अगर 1% कहीं गलत होता है, जैसे उदाहरण कोई पॉलिटिशियन अगर गलत करता है, रेप करता है, वो जेल के सलाखों में जाता है, इसका मतलब हर पॉलिटिशियन को तो बदनाम नहीं करेंगे, कहीं मंदिर में कोई पुजारी गलत करता है, बोलाना गलत करता है कहीं, क्या इसका मतलब हर उस कौम को बदनाम कर देंगे? तो जो आप कर रहे हैं, जिसका कोई अगर कहीं आपने गलत पाया उसके लिए आप एफआईआर करवाते हैं, उस पर आप कार्रवाई करें। जैसे अभी मैम ने बोला कि जीबी रोड में इतने सालों से धंधा चल रहा है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे सर? बिल्कुल वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं है, कह रहा हूँ जो वहाँ पे धंधा चल रहा है ये पूरे विश्व पूरे देश को पता है, और वहाँ पे जबरदस्ती धड़ा धमका के लड़कियाँ पूरे देश लाई जा रही है, अगर कोई लड़की वहाँ स्वेच्छा से कर रही है तो वो अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन जिसको जबरदस्ती लाया जा रहा है उसको आप रेस्क्यू क्यों नहीं वहाँ से कर रहे हैं? आप 3 महीना बचा तो उसको राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं। एक और बात बोलना चाहूंगी, देखिए ये सारी लड़कियाँ मेच्योर हैं, सबके अंदर अपना दिमाग है, अगर आप ये सारी चीजें तो चलो है लाइसेंस लेके सारी चीजें हैं हमारे साथ, अगर आप ये सारी चीजें बंद भी करवाते हो, जिसको अपनी रोजी रोटी कमानी होगी वो होटल्स में भी जाएगी, आप होटल बंद करवाइए, वो ओयो में भी जाएगी, आप ओयो बंद करवाइए, वो फॉर्म हाउस पे भी जाएगी, आप फॉर्म हाउस बंद कराएगी, आप क्या क्या बंद कराएंगे? आप इस चीज को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, सब अपनी मर्जी से स्पा कर रहे थे, सब अपनी मर्जी से कमा रहे थे, और सबके पास लाइसेंस था, इन सबकी रोजी रोटी थी, जो आपकी आपने बंद करवा दी, अब आप उन सब चीजों को क्या बंद करवा सकते हैं जहाँ पे लड़कियाँ अपनी खुद मर्जी से जाए? अगर आप करवा सकते हैं तो सबसे पहले होटल्स के स्पा बंद करवाइए, होटल्स में भी होते हैं, बड़े बड़े होटलों में भी स्पा चलते हैं, और आपको भी ये पता ही होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।